गियोवानी फेलिक्स को एक ऐसे रेस्टोरेंट में लाया था जहाँ पे बहुत सारा हेल्थी खाना मिलता हो, ताकि फेलिक्स हेल्थी खाना खा के फिर से हेल्दी बन जाए। गियोवानी फेलिक्स को चाय पोर करके देता है, तभी वेट्रेस वहाँ पे आ गई और गियोवानी उसे ऑर्डर दे रहा था, लेकिन तभी फेलिक्स वेट्रेस से कहता है कि ये चाय थोड़ी सी ठंडी है, क्या आप हमें एक हॉट चाय का फ्रेश पॉट ला के देंगी। वेट्रेस तो उससे माफी मांगने लगी थी कि हाँ मैं अभी लाती हूँ। गियोवानी ने वो चाय पी और चेक किया कि क्या वो सच में ठंडी है, लेकिन वो चाय ठीक ठाक गर्म थी। फिर जब रात को फेलिक्स सो गया था, लेकिन गियोवानी बैठा हुआ सोच रहा था कि वो चाय तो डेफिनेटली गर्म थी, तो फिर फेलिक्स ने ऐसा क्यों कहा कि वो ठंडी है। वो तो ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे उसने गर्माहट फील ही ना की हो, जिस तरह से मैं फील नहीं कर पाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा कर्ज उसे लग गया हो, जैसा कि उस औरत ने कहा था कि मैं काफी वक्त से उसके साथ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब फेलिक्स को दूसरी चाय ला दी गई थी तब तो वो उसकी तारीफ कर रहा था कि ये अभी गर्म है, तो फिर मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। वो ये सब कुछ सोचते हुए बेडरूम से बाहर आ गया। उसकी नजर जाती है कि उसका फोन नीचे पड़ा हुआ है। मैं इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि मेरा फोन खो गया है। तभी उसकी नजर उस ब्लैक तालिस्मान पे जाती है कि ये क्या है। वो तुरंत ही उसे वहां से उखाड़ देता है कि क्या ये एक चार्म है, आखिर ऐसी चीज यहां पे क्या कर रही है। फेलिक्स तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज यहां पे लगा सकता है, तो फिर ये किसने किया होगा। और उसे पता चल गया कि ये काम ग्रैंडमा का ही हो सकता है। जब वो पैर दर्द का बहाना मार के फेलिक्स के घर में घुस गई थी, तब ये उसने लगा दिया होगा। फिर सुबह हो गई, ग्रैंडमा अपनी ऑफिस में थी, तब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है, आपसे कोई मिलने आया है, क्या आप उसे मिलना चाहती है। उसने कहा कि वो आपका ग्रैंडसन है। ग्रैंडमा कहती है, क्या मेरा लिटिल लीगा मुझसे मिलने आया है। सेक्रेटरी बताती है, नहीं वो लीगांग नहीं है मैम, मैंने उस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपका ग्रैंडसन है। तो मैं सरप्राइज थी कि क्या आपका कोई दूसरा ग्रैंडसन भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। ग्रैंडमा को पता चल गया था कि वो गियोवानी है, और वो सोचती है लगता है मेरे तालिस्मान ने असर कर दिया है। वो गियोवानी को अंदर मिलने बुलाती है और कहती है, तुमने खुद यहाँ आने की परेशानी उठाई, तो जरूर ये मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। गियोवानी कहता है, किसी ने एक विलन का काम किया है, मैं तो ये सोच रहा था कि आप अचानक से मेरे घर में मुझसे मिलने क्यों आ गई थी, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि आप इसे वहाँ पे छोड़ के चली जाए। वो अपनी पॉकेट में से उस ब्लैक तालिस्मान को निकाल के उसे देता है और कहता है, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप आखिर प्लानिंग क्या कर रही है। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, ये तुम्हारे उस कर्ज को ब्लॉक करने के लिए है। गियोवानी कहता है, आप तो उस कर्ज के बारे में बात करना बंद ही नहीं करती है कि कर्ज ये कर्ज वो, लेकिन अब आप उस सारी बातों के बारे में चिंता करना बंद कर सकती है क्योंकि मेरी बॉडी अब हील हो चुकी है। ग्रैंडमा कहती है, क्या तो अब तुम्हारी कंडीशन ठीक हो गई है। वो मुस्कुराती हुई कहती है, जैसा मैंने सोचा था, मेरे तालिस्मान ने काम कर दिया। गियोवानी गुस्सा हो गया और सोचता है कि क्या तालिस्मान। ग्रैंडमा कहती है, पता नहीं तुमने इस बारे में पहले सुना होगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़का रह रहा है, अब तुम्हारा बैड लक उसके पास चला जाएगा, उसने लीगांग को तुम्हारा कर्ज रिसीव करने से बचा लिया। अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, बहुत देर नहीं हुई है, बहुत दूर चले जाओ और कभी वापस मत आना, नहीं तो बहुत बुरी चीजें होगी। गियोवानी कहता है, आपकी सड़ी हुई बातें मुझे नहीं सुननी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ग्रैंडमा कहती है, बेवकूफ लोग हमेशा ही दूसरों की अच्छी एडवाइस को इग्नोर करते हैं, अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। लेकिन गियोवानी जोर से दरवाजा बंद करके चला गया। ग्रैंडमा बोलती है, जरा देखो उसको, वो लंबे वक्त तक उसके साथ रह ही नहीं पाएगा। फिर अगला सीन आता है, गियोवानी अपनी ऑफिस में बैठा था और वो अपने फोन में बैड लक के बारे में देख रहा था, तभी फेलिक्स अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने आता है, तो तुरंत ही गियोवानी ने अपना फोन बंद कर दिया। फेलिक्स उसे काम के बारे में कह रहा था, लेकिन गियोवानी उसका हाथ पकड़ के कहता है, फेलिक्स क्या सच में तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम बीमार हो और इस बात को मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो ना। फेलिक्स कहता है, नहीं मैंने कहा था ना मैं ठीक हूँ, क्या तुम अभी मेरे बारे में चिंता करे हो क्योंकि मैं उस दिन बीमार पड़ा था। गियोवानी अपनी सीट पर से उठ जाता है और कहता है, तुम बार बार कह रहे थे कि तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। फेलिक्स कहता है, वो क्योंकि उस वक्त मुझे फीवर हुआ था इसलिए। गियोवानी उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, क्या तुम कसम खाते हो कि तुम ठीक हो। फेलिक्स कहता है, हाँ मैं कसम खाता हूँ मैं ठीक हूँ। गियोवानी फेलिक्स के सर से अपना सर टैप करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें कभी अजीब फील हो या फिर बीमार हो ऐसा फील हो तो मुझे तुरंत ही बता देना, ठीक है। फेलिक्स कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करवाऊंगा। गियोवानी उसके फेस पर किस करने लगा और कहता है, मेरा डियर बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम्हारी ये क्यूटनेस सच में मेरे लिए जानलेवा है, आखिर तुम इतना ज्यादा क्यूट होकर किसे अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो। गियोवानी एक किस करता है और एक लाइन बोलता है, आखिर तुम क्या खाते हो कि तुम इतने यमी दिखते हो।
शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी दिया जाए तुम वो निकल जाते हो, और खासकर जब हम दोनों बेड में होते हैं। फेलिक्स का चेहरा लाल हो गया और वो गियोवानी को रोकता हुआ कहता है, अब बस करो, तुम जो डॉक्यूमेंट दिखाने लाए हो वो देखो तुम, मुझे फिर बाद में उसे टीम लीडर को भी दिखाना है। गियोवानी कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन 10 और बार मुझे तुम्हें किस करने दो। और वो फेलिक्स को किस करने लगा और वो मन में बोलता है, देखा अभी हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर मैं उस बेकार की तावीज पे यकीन क्यों करूँ। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि सच में फेलिक्स की हालत भी अब गियोवानी जैसी हो गई है? मतलब पहले गियोवानी गर्माहट फील नहीं कर सकता था और उसे हमेशा ठंड लगती रहती थी, तो क्या फेलिक्स की हालत भी अब ऐसी हो गई है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिख देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।